नमस्कार, जय जोहार। मैं अनु शर्मा हूँ। आप मन देखाओ और देखत रहो मिस्टर इमरान न्यूज चैनल। जय जोहार संगी, मैं आरू साहू। आप देखा तो मिस्टर इमरान न्यूज चैनल देखत रहो। नमस्कार, मैं हूँ शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद जिला अवैध रेत माफियाओं के लिए सेफ जोन बनते जा रहा है, क्योंकि यहां दबंगई से रेत माफिया अवैध रेत का उत्खनन व परिवहन करवा रहे हैं और प्रशासनिक उदासीनता की वजह से रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि लॉकडाउन में भी रेत खदान को बड़े धड़ल्ले से चला रहे हैं। देखिए यह तस्वीर। वैध के आड़ में अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं लोग, है ना। तो ये ऐसा है कि इनको कोई प्रशासन का कोई डर नहीं है, लगता है ऊपर से नीचे तक इन लोग का पूरा सेटिंग है। देखने में नजर ये आ रहा है कि यहाँ दबंगई पूर्वक ना जो रेत घाट जो ठेकेदार जो चला रहा है, दबंगई पूर्वक चला रहा है। 3 से 4 घंटा यहाँ वेट करना पड़ा अधिकारियों का, लेकिन किसी का ना फोन आया ना किसी का आने का कोई उम्मीद नहीं दिखा। पूरा मामला फिंगेश्वर विकास खंड के ग्राम पसौत का है, जहां वैध के आड़ में अवैध रेत उत्खनन व परिवहन को रेत माफिया बड़े धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। रेत माफियाओं की दबंगई इस कदर है कि सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर दिन रात नदी में चैन माउंटेन लगाकर रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन कराने में जुटे हैं। प्रशासनिक उदासीनता की वजह से इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और बिना डरे बिना रुके अवैध रेत का उत्खनन व परिवहन कर रहे हैं। जब इन लोगों के पास हम बात करने जाते हैं कि ये कौन से नियम के तहत या किससे पूछकर या किससे जानकारी देकर सभी नियमों की धज्जियां उड़ाकर रेत उत्खनन करवा रहे हैं, तो ये अपना मुंह छुपाते हैं, यानी काले कारोबार को अंजाम देकर ये कैमरे से भागने लगते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। लेकिन इसकी सूचना हम लगातार शासन प्रशासन को देते हैं, लेकिन कार्रवाई करने कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचते हैं। घंटों इंतजार करते हैं, रात भर इंतजार करते हैं, बावजूद एक भी अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, ना जिला से और ना ही स्थानीय प्रशासन की ओर से। आपको मालूम है कि लॉकडाउन है, धारा 144 भी लागू है, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना है, और आपने सोशल मीडिया या न्यूज चैनल या अखबार के माध्यम से ये खबर भी पढ़े या सुने होंगे कि जो लोग लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस या फिर धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं या नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। मैंने भी ये खबर पढ़ा और सुना है, लेकिन जब मैं इस रेत खदान को देखा और यहाँ पर मैं खुद गया और मेरे साथ कुछ अन्य पत्रकार साथी भी गए, और वहाँ जो हमने तस्वीर देखा वो बेहद ही चौंका देने वाला था, क्योंकि लॉकडाउन है, इसके बावजूद बड़ी तादाद में हाईवा आना और दो दो चैन माउंटेन लगाकर नदी से रेत उत्खनन करना कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है। गरियाबंद जिले के तमाम अधिकारियों को हमने सूचना दिया, स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भी, साथ ही हमने जिले के उच्च अधिकारियों को भी सूचना दिए, साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी सूचना दिए। हम घंटों इंतजार किए, 1 घंटा बीता 2 घंटा बीता 3 घंटा हुआ 4 घंटा हुआ 5 घंटा हुआ 6 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन 6 घंटे तक ना ही स्थानीय प्रशासन से कोई अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे और ना ही जिला से कोई अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे। जब हम पुनः जिला के अधिकारियों को फोन किए कि भाई कोई कार्रवाई करने आ रहा है, तो फोन तक भी नहीं उठाए। साथ ही ये भी बता दें कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि रेत माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार किया है, ये देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, वैसे ही रेत उत्खनन के नियम भी बदले गए और अब प्रदेश में 19 साल के बाद रेत खदानों के आवंटन का सिस्टम भी बदला गया है। खनिज विभाग पहले रेत खदानों का आवंटन सिर्फ संबंधित पंचायतों को ही करता था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति रेत खदान के संचालन के लिए ठेका ले सकता है। राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पंचायतों के पास अब रेत खदान का अधिकार नहीं है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कोई भी रसूखदार लोग अब जहां चाहे वहां रेत का ठेका ले सकते हैं, और अभी के समय में बहुत से रेत घाटों को संचालित भी किया जा रहा है। रेत घाटों का ठेका मिलने के बाद से अब ठेकेदार अपनी मनमानी कर नियमों को ताक में रख कर दिन के साथ रात के अंधेरे में अवैध परिवहन को अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पसौद रेत घाट में रात के अंधेरे में वैध की आड़ में अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ देश में लॉकडाउन के चलते गैर जरूरी सेवाएं बंद है,
तो वहीं ऐसे ठेकेदार प्रशासन को आईना दिखाकर धड़ल्ले से रात के अंधेरे में अवैध रेत परिवहन को अंजाम दे रहे हैं और अपने काले कारोबार को छुपाने के लिए पीट पास में शाम 5 बजे तक का समय दर्शा देते हैं। फसल से ना आज अक्ती आज बंद नहीं है, आज अक्ती त्योहार है नहीं तो ये ना दोपहर के बाद में चालू किया ना। और मौके पर मौजूद पत्रकार साथियों द्वारा जब इस रेत घाट की शिकायत जिला प्रशासन से किए तो घंटों बीत जाने के बाद भी एक भी अधिकारी कार्यवाही करने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ाया। यहाँ पे पत्रकार साथी भी हमारे साथ तरुण यादव। तरुण यादव जी, किस नजर से देखते हैं इसे आप? बिल्कुल, ये रसूखदार लोग बिना डर भय के रात में संचालित कर रहे हैं इस तरह से। और वैध के आड़ में अवैध, जैसे आपने कहा कि वैध के आड़ में अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं इन लोग, है ना। तो ये ऐसा है कि इनको कोई प्रशासन का कोई डर नहीं है, लगता है ऊपर से नीचे तक इन लोग का पूरा सेटिंग है जिसके मद्देनजर ये पूरा संचालित हो रहा है। हमारे साथ और क्षेत्र के एक पत्रकार साथी मौजूद है जो अपने आंखों से इस अवैध काम को देख रहे हैं और लगातार इन्होंने भी स्थानीय प्रशासन को सूचना दिया लेकिन कोई नहीं आया। क्या लगता है तामे जी, किस नजर से देखते हैं, क्या कितना मनमानी चल रहा है? देखने में नजर ये आ रहा है कि यहाँ दबंगई पूर्वक ना जो रेत घाट जो ठेकेदार जो चला रहा है, दबंगई पूर्वक चला रहा है। इतना 25 से 30 गाड़ी दो दो चाइन देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। हमको करीब करीब 3 से 4 घंटे यहाँ वेट करना पड़ा अधिकारियों का, लेकिन किसी का ना फोन आया ना किसी का आने का कोई उम्मीद नहीं दिखा, जिसकी वजह से रेत माफिया अपनी दबंगई दिखाकर लॉकडाउन व रेत परिवहन के नियमों को ताक में रखकर अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को इतना डरा कर रखा गया है कि अब वे इसका खुलकर भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। दिन रात रेत उत्खनन से अब नदियों की दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है, यह बड़ा सवाल है। सासर रेत घाटों को लीज में देने के बाद कुमकर्णी नींद में सोया हुआ है, जिससे अब अवैध काम करने वालों की लॉटरी निकल पड़ी है, जिससे अब यह कहा जा सकता है कि जीवनदायिनी नदी मानवीय कृत्यों से तबाह हो रहा है। पसौद रेत घाट में रात के अंधेरे में बड़ी दामों पर रसूखदार लोगों द्वारा रेत बेची जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और गरियाबंद जिले के जनप्रतिनिधि मूक दर्शक बने बैठे हैं, क्योंकि लोडिंग दर कम होने से लोगों को रेत कम दर पर मिलेगी ऐसा शासन का मानना था, पर अधिक दामों में बेचने का खेल अब भी जारी है। बहरहाल क्षेत्र के विधायक अमितेश शुक्ला कार्यवाही करवाने का भरोसा दिलाया है। तो आपने देखा कि ग्राम पसौद में किस तरह वैध के आड़ में अवैध रेत उत्खनन के कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। प्रशासनिक उदासीनता को भी आपने देखा होगा कि हम लगातार जिला के बड़े उच्च अधिकारियों को फोन करते रहे लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिलहाल अब देखना ही होगा कि इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन की ओर से ऐसे रेत माफियाओं के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई किया जाता है, या फिर प्रशासनिक उदासीनता की वजह से गरियाबंद जिला अवैध रेत माफियाओं के लिए सेफ जोन बन जाएगा। फिलहाल हम लगातार अवैध रेत उत्खनन के इस काले कारोबार का इसी तरह खुलासा करते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत। क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज़ नेटवर्क।